आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। सतपाल प्रधान बालोरपुर ने नोएडा अथॉरिटी से किसानों की और ग्रामवासियों की समस्याओं की तरफ ध्यान देने की अपील। सतपाल प्रधान एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव के पूर्व प्रधान होने के कारण गांव की समस्याओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अपनी बातों में उन्होंने बताया, नोएडा में शांतिपूर्वक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चुनाव रिजल्ट समीप है। जिस पार्टी की भी सरकार बने, सरकार का पहला कार्य किसानों और ग्रामवासियों के प्रति होना चाहिए। उन्होंने कहा, होली का पर्व समीप है, सभी लोग इस पर्व पर गरीबों में मिठाई बांटे, बिना किसी भेदभाव के सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाएं। बड़ी बारीकी से उन्होंने अपनी बातें नोएडा संवाददाताओं से कही। उनके आवास पर खास बातचीत में कई अन्य गणमान्य ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से संजय यादव, पप्पू यादव, सुरेंद्र यादव, राजवीर पहलवान, दयाराम पहलवान उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं प्रदीप कुमार शर्मा आज आया हूं नोएडा के बहलतपुर गांव में। मेरे साथ मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, सतपाल प्रधान जी मेरे साथ मौजूद हैं, गांव का प्रतिनिधि करते हैं। गांव में जो जो समस्याएं हैं उनको लेकर नोएडा अथॉरिटी अगर बात करें तो वहां तक पहुंचना, कोई भी समस्या हो गांव को लेकर वो सचेत हैं, कई कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। सामाजिकता की बात करें या राजनीति की बात करें, हर पहलू में सत्य प्रधान या सतपाल प्रधान जी की अगर बात करें तो पार्टियां उनके नाम से काफी रूबरू हैं। आज उनके आवास पर हम मौजूद हैं, आइए बात करते हैं, खास मुलाकात में जानते हैं क्या कहना है प्रधान जी का, और होली का भी पर्व है, क्या वो कहना चाहेंगे उस विषय में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी, क्योंकि जनता की आवाज पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मेरा नाम है सतपाल प्रधान, सत्य प्रधान कहते हैं। तो जहाँ तक होली की बात आपने कही, तो मेरा यही मानना है, सभी लोगों से मेरा ये कहना है, हर समाज के व्यक्ति से मेरा यही कहना है कि होली के त्यौहार को प्यार से मनाएं, मिलजुल कर मनाएं और एक दूसरे के सुख दुख में साथी रहें जी। गरीबों की मदद करें, जो बने कपड़े बांटे, मिठाई बांटे, जिस तरीके से गरीबों की मदद हो सके उस तरीके से गरीबों की मदद करें और होली के पर्व को प्यार से मनाएं। चुनावी माहौल, चुनाव पूरा हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, सरकार किसी की भी बने, समस्याओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे, गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, कुछ ऐसा एड्रेस करना चाहेंगे आप जी? जी, जो समस्या की बात आती है या कई काम की बात आती है, तो ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, तो गांव की क्या समस्या है, तो मैं आपको एक अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बहलोलपुर में, पहले बहलोलपुर की बात मैं करता हूँ जी, क्योंकि आप बहलोलपुर में बैठे हैं जी, जी, और क्षेत्रीय समस्या से भी मैं वाकिफ हूँ। तो बहलोलपुर गांव में जो ज़्यादातर किसान लोग हैं, और किसानों ने अपनी ज़मीन अथॉरिटी को दे चुके हैं, अथॉरिटी का जो रवैया है वो फिलहाल किसानों के प्रति वो अच्छा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, 4 महीने की या लाइट का काम हो, रोड का काम हो, तो ये सब काम होने चाहिए। कुछ समय पहले अथॉरिटी ने, जो हम प्रतिनिधि होते थे गांवों के, प्रधान प्रतिनिधि होता था जी जी, तो जन समस्या को लेके वो अथॉरिटी पहुंचता था, जो जनता की समस्या थी उसको लेके अथॉरिटी पहुंचता था। हम आज भी जाते हैं, लेकिन उस तरीके से वो सुनवाई नहीं होना चाहिए। भले ही प्रधान ना हो, जो प्रतिनिधि है, प्रधान नहीं है लेकिन जो प्रतिनिधि है, फिलहाल प्रतिनिधि हम करते हैं, लेकिन हम सुनना चाहिए, हमको अथॉरिटी को सुनना चाहिए। और मेरा कहने का मतलब यह है, जो जनता की समस्या है उनको पूरा करना चाहिए। एक सवाल को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, लास्ट बार मैं गांव में आया था, लोगों ने एक समस्या रखी थी, सिर्फ गांव वालों को
सेक्टर में जाने के लिए जो रोड है उसको अथॉरिटी बंद कर रही है। एक 24 फुटा रोड है उसको लेकर भी लोगों ने कुछ ऐतराज की जताई है, जिसमें कहा गया है कि जो आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं कुछ उनका गांव वालों के बहुत प्लॉट है, सब लोगों ने अपने लेटर लगाए हैं और अथॉरिटी में अपनी नाराजगी उस बात की जताई है। अब जो कोई पहले अधिकारी यहाँ आए थे हमने तब भी नाराजगी जताई थी, और पहले हमने गेट बनने भी नहीं दिए, हमने गेट नहीं लगने दिए और ना लगने देंगे। देखो ये जनता की, वो भी हमारे भाई हैं सेक्टर वाले, हम भी उनके भाई हैं। लेकिन गांव के लिए भी पार्क अलॉटेड है अभी तक? गांव के लिए मैंने जो छुटवाया था पार्क वो ये सामने वाला, उस समय जो हमारे बड़े जो अधिकारी होते थे राजेश प्रकाश जी, उनसे कह के हमने धरना रखा था इस पार्क की वजह से और खेल के मैदान की वजह से, खेल का मैदान छुटवाया, पार्क छुटवाया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।